अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकद्दर रजा। एसएम न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए हम शामिल करते हैं कराची से। तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को कुचल दिया और हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ जुल्फकार अली से। जी जुल्फकार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, रेस्क्यू जराए के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया नाजमाबाद 7 नंबर पर पेश आया। यहाँ वाटर टैंकर की टक्कर से जख्मी होने वाले 3 अफराद को आबासी शहीद अस्पताल मुंतकल किया गया, लेकिन हादसे में जख्मी होने वाले बाप बेटी जान पर ना हो सके। जराए का बताना है कि हादसे के बाद वाटर टैंकर का ड्राइवर फरार हो गया और मौका पर मौजूद मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। इस हवाले से पुलिस का बताना है कि जान बहक होने वालों में 10 साल बच्ची सिद्रा और इसके 40 साल वालद शामिल हैं, जबकि हादसे में जख्मी होने वाला 35 साल अब्दुल वाहद मतूफी का भाई है। जी बहुत शुक्रिया जुल्फकार तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही, मजीद खबरों के लिए देखते रहिए एसएम न्यूज़।